पत्नी का फोन चेक करे या ना करे, पर पति का फोन जरूर चेक करना चाहिए। फोन तो चलाते होंगे ना? हाँ? पत्नी आपका चेक करती है फोन? मोस्टली हस्बैंड होते हैं जो फोन चेक करना, इवन वाइफ भी होती है। उनको कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो हम देखते हैं कौन है। हाँ। हमारे पीछे कोई और तो नहीं आ गया। जहाँ पे लव होता है वहाँ पे ही शक होता है, तो वो फिर से लाइन बोलेगा आप कैमरे में। नहीं मतलब शक कहाँ पे होता है, जहाँ पे लव होता है वहाँ पे शक डाउट करना नेसेसरी है। आपको लगता है कि लेकिन अगर चेक करते रहेंगे तो खौफ बना रहेगा? ये तो है, हम ऐसे ऐसे चेक करते नहीं है। नहीं। मैं भी चेक नहीं करता। यार बहुत अच्छे बन रहे आप, अगर विदाउट कैमरा पूछते तो मैं यही बोलता। आप चेक करते हैं? मैं कभी चेक नहीं करता हूँ, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है। और आप लेकिन चेक? Yes, I always check. दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपके सोने के बाद फोन चेक किया गया है, मुझे पता चल गया है? Never, I guess no. मैं तो पहले सोच रहा था अपनी वाइफ से, तो पर जहाँ तक मुझे पता है अपनी नज़र भी बहुत बड़ी होती है, वो सबकी नज़र से बेटर होती है अपनी नज़र, तो हम उसमें गिर जाते हैं ना, तो हम कहीं के नहीं रहते। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस की हियरिंग के दौरान बोला कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का फोन बिना एक दूसरे के परमिशन के चेक नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो इन फ्यूचर अगर कभी कोई कोर्ट केस होता है तो उस चीज को एज एविडेंस वो पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। लेकिन हस्बैंड वाइफ विदाउट एक दूसरे की परमिशन एक दूसरे का फोन चेक ना करें, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये बताएगी जनता। पति पत्नी को एक दूसरे का फोन बिना परमिशन के चेक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बट एक बात भी है कि पत्नी का फोन चेक करे या ना करे, पर पति का फोन जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, पत्नी को ये छूट क्यों है वैसे? वो इसलिए कि पत्नी तो घर से बाहर नहीं जाती, पति दिन भर बाहर रहते हैं और लंबा लंबा झूठ बोलते हैं। आप घर से बाहर ही तो हैं और कहाँ है? घर से बाहर हूँ पर शॉपिंग करने आई हूँ। शादी हुई है भैया आपकी? हुई है। अच्छा, पत्नी का फोन चेक करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ऐसा ही, कभी मन नहीं करता कि देखें किससे बातें हो रही है? नहीं, वो तो बात तो हमसे करती है और किसी से करता ही नहीं है। मतलब आप एकदम पक्का विश्वास है आपको कि आप ही से बात होती है? हाँ हाँ, विश्वास है। और कभी वो आपका फोन चेक करती है? नहीं, करती नहीं है। आपको कैसे पता? मोबाइल छूता ही नहीं है। आपको मोबाइल ही नहीं छूती है? अच्छा, तो बहुत विश्वास है एक दूसरे पर। तो जो लोग चेक करते हैं फोन एक दूसरे का, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्यों, हर इंसान को विश्वास रखनी चाहिए किसी पे। और कोई विश्वासघात कर रहा हो तो करने वाला करने दीजिए। आपको क्या लगता है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का फोन बिना परमिशन के चेक करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबकी लाइफ, हस्बैंड की लाइफ भी अलग है, वाइफ की लाइफ भी अलग, सबकी एक प्राइवेट लाइफ होती है, एक थिन लाइन होता है जो क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को भी। हाँ, तो मतलब आपने आज तक कभी नहीं किया? नॉट एट ऑल। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेक फोन एंड ऑल। अच्छा, तो आप ऐसे लोगों को जानती हैं जो चेक करते हैं? मोस्टली हस्बैंड होते हैं जो फोन चेक करना, इवन वाइफ भी होती है, पर दो रिश्तों में या रिलेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो क्या, ट्रस्ट होना चाहिए। और जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ है तो एज ए फ्रेंड रहो। पहले शादी से पहले ये बात हुई थी कि हम लोग दोस्त बन के रहेंगे। खैर वो अब मेरी दोस्त नहीं है, ज्यादा डिप डोमिनेटिंग है मेरे ऊपर, दोस्त नहीं है वो। मैम यहीं पर है। ओके, उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या बोला गया है। अब वो फ्रेंड नहीं है मेरी, वो अब मेरी बॉस बन गई है। वजह क्या होती है, क्यों लोग करते हैं चेक? ये तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, जैसे उनको लगता हुआ है किसी से बात कर रहे हैं या कुछ और, पता नहीं। पर ऐसा होता भी ना, ये सब हो रहा है तो मे भी होता होगा कि अगर वाइफ बिजी है तो हस्बैंड को लगता है पता नहीं किससे बात करे, वेटिंग आता, मोस्टली जो शक होता है वेटिंग से स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से हो रहा होगा। आपके डाउट होने लगता है माइंड में कि कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं है, वो
बेसिकली अपने दिमाग का ही कीड़ा है वो जो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है पैसे तो कुछ भी होता है। और अपने पार्टनर को फ्रीडम जब तक नहीं देंगे हम तो ज़्यादा सही नहीं होता, मज़ा नहीं आता फिर लाइफ में। फ्री छोड़ दीजिए, सबकी एक पर्सनल लाइफ है, आप फ्री छोड़िए, इंडिविजुअल रहिए, सबका हक है, सबका राइट है लाइफ में अपने आप को एक्सप्लोर करना, सब कुछ करना। तो एक क्या ये नहीं कि हम वाइफ बन गए किसी का, तो मेरा एक बाउंड्री है, बाउंड्री सेट नहीं करो, सबको जीने दो, तो जीने दो, कुछ भी करने दो, कुछ भी करने दो। नहीं पर नहीं, वाइफ को भी देखिए, सबका अपना अपना एक बाउंड्री लाइन क्रिएट की है ना रिलेशनशिप में, अगर शादी भी है एक बाउंड्री लाइन है, क्या बियॉन्ड द बाउंड्री जाओगे तो रिलेशन चलेगा नहीं, तो सबको एक अपना समझना पड़ेगा ये चीज़। आपको लगता है कि लेकिन अगर चेक करते रहेंगे तो खौफ बना रहेगा? ये तो है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप गलत होते हो तभी सामने वाले को भी गलत समझते हो। सो अपना जो अपना चरित्र है क्लीन रखना चाहिए, एंड सामने वाले को भी ऐसे सोचना चाहिए, तो लाइफ अच्छी चलती। क्या बिना परमिशन के आप अपनी वाइफ का फोन चेक करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता, बट इवन इफ आई चेक आई स्ट्रांगली फील कि उसे कुछ कंसर्न नहीं होगा। द सेम इट्स लाइक वाइज। यस, आप बताइए। आई टोटली एग्री विद सुधीर, वी नेवर लाइक आस्क the password because we know each other's password, so we are totally comfortable with it. तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपके सोने के बाद फोन चेक किया गया है, मुझे पता चल गया है? Never, I guess no. तो मैं तो पहले सोच रहा था अपनी वाइफ से, तो at least फोन इधर पहले चेक। We have a baby in between, so okay. It's very difficult to even check the phone on the other side of the bed. So. Right. लेकिन लोग करते हैं चेक, और बिना एक दूसरे के परमिशन के भी करते हैं। कपल टू कपल डिपेंड करता है, तो इट्स वो ट्रस्ट वाला भी फैक्टर होता है, और ज़रूरी नहीं है ट्रस्ट के लिए दूसरे का पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। प्रिवेसी भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब हम दोनों, मतलब कुछ ऐप्स मेरे फ़ोन में है जो सुधीर के फ़ोन में नहीं है, तो मैं सुधीर का ही फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, सेम विद हिम, तो आई थिंक यार तो कूल, यार हमें प्रॉब्लम नहीं है, सब कूल है। हाँ, सिमिलर। नजर ना लगे। थैंक यू। आप कभी अपने वाइफ का फोन बिना परमिशन चेक करते हैं? मैं हमेशा चेक करता हूँ। ये पहला इंसान मिला है जिसने एक्सेप्ट किया है कि चेक करता हूँ। और क्यों क्यों करते हैं आप चेक? कुछ नहीं, ऐसी मैं देखता हूँ किससे बात हो रही है, किससे क्यों नहीं हो रही है, क्या है, तो ऐसी चीजों पे वैसे चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, आप उसको अपने साथ रख रहे हो, तो उसका ये चीज़ें लाइबिलिटी है कि आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि हर बार भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा हर बार नहीं करना चाहिए, और अगर वो भी आपका फोन चेक करें तो? करती है वो। अच्छा, और उनको पता है कि आपको पता है कि आपका फोन चेक किया जाता है? हाँ, बराबर, उनके सामने ही चेक होता है। ओके, तो क्या मतलब मेन वजह क्या होती है चेक करने की? फोन उनको कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो हम देखते हैं किसका आया, किनके साथ इंटरेक्शन हो रही है, कौन है, हमारे पीछे कोई और तो नहीं आ गया। सब पता होना चाहिए। चलिए, रिलेशन इसी बेस पे होता है। नहीं तो अगर आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे का फोन चेक करते हैं, तब तो ठीक ही है फिर, है ना? मतलब डिलीट कर दिया जाता है पहले ही, अंडरस्टैंडिंग से चीजें डिलीट कर दी जाती है। हाँ, ये भी होता है ताकि आप सेफ रहो, उससे पहले डिलीट कर दो सारा कुछ। अच्छा, आपने ऐसा किया है? मैंने नहीं किया। अब ये थोड़ी बोलेंगे कैमरे में। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं हूँ ही नहीं ऐसा। अच्छा, आप है ही नहीं ऐसा, आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। फोन तो चलाते होंगे ना? पत्नी भी फोन चलाती होंगी, तो कभी एक दूसरे का फोन चेक करते हैं? नहीं, खुला पड़ा रहता है, कोई भी देखे। कभी चेक नहीं करते। और पत्नी आपका चेक करती है? फोन खुला रहता है, चेक तो पता नहीं करते हैं, करते हैं, पता नहीं इसके मेरे को, बाकी फोन तो लॉक खुला रहता है। अच्छा, अगर आपको पता चले कि पत्नी चेक कर रही है फोन चुपके, तो क्या बोले? तो कर ले, कुछ नहीं, मेरे फोन कुछ होता ही नहीं है। हाँ, कुछ है ही नहीं। जो गलत होते हैं उनके चेक होते हैं, जिनको शक होता है उन पर चेक होगा, हम पे कौन शक कर। प्यार की भरोसे की जो बात कर रहे हैं, क्या उम्र है आप? मेरी जी 18 तो पूरी हो गई है। तो आपकी अगर कोई पार्टनर होगी तो फोन वोन चेक करेंगे उसका? नहीं, हमारे में ट्रस्ट है इतना। अच्छा, मतलब पार्टनर तो है? अच्छा, अभी भी जिससे मैं बात करता हूँ उस पर पूरा ट्रस्ट है, कभी आज तक मैंने उससे उसका फोन नहीं मांगा, ना उसने मेरा मांगा।
हमारे इंस्टा के पासवर्ड डाला कि मेरे को याद नहीं रहता करके, तो उसने ये नहीं कहा, फोर्स नहीं करा कि मेरे को दो करके। अगर नहीं है याद तो नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमने कभी कुछ ऐसी मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं करी है। अच्छा, भरोसा है हम लोगों को एक दूसरे पर। तो आप फोन नहीं चेक करोगे उसके बाद? नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतना भरोसा है। और अगर अगर आपको पता चले कि उसने फोन चेक किया है तो? कोई नहीं, कर ले, मेरे पास कोई ऐसी उल्टी, मैं मतलब ऐसा कभी करूंगा ही नहीं जो कि वो फोन चेक करे तो उसे बुरा लगे कि हाँ ये ऐसे करके कर रहा है मेरे पीठ पीछे। अच्छा, मान लो 4 साल 5 साल 6 साल बाद कोई और पसंद आ जाए तो? किसे? तुम्हें? नहीं आएगा, पिछले 4 साल से कोई भी पसंद नहीं आया और किसी को देखा भी नहीं है। काफी सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी बने थे स्कूल टाइम में, अभी कॉलेज टाइम में, पर नहीं, सिर्फ वही है तो सिर्फ वही है पिछले 4 साल से, 4 साल 6 महीने 15 दिन। फिल्में देखते हो बहुत? हाँ, गाने वगैरह लग रहा है। अपने हस्बैंड का फोन चेक करती हैं ऐसे? ऑफ कोर्स, एज अ रेगुलर। वाओ, आपके हस्बैंड यहाँ पर। ओके, आपको पता है कि आपका फोन चेक किया जाता है रेगुलरली? या वेरी मच। तो आप सतर्क रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे फोन में तो सतर्क रहने की जरूरत पड़े। यस। ओके, और आप भी चेक करते हैं फोन? हाँ, रेगुलरली। ये तो ये भी चेक करते हैं किसके साथ बात करती है, कितनी मिनट बात करती है। तो आप ओके हैं? ऑफ कोर्स, देखो हम कुछ गलत करते ही नहीं है, तो फिर से कुछ हिडन मैटर होती ही नहीं है, तो जो चाहे चेक कर सकते हैं। कुछ लोग इसलिए चेक करते हैं कि उनको शक होता है कुछ। हाँ, वो देखो जो उसको डाउट होता है वो नेचुरली कुछ पता चल जाता है कि कुछ चल रहा है ऐसा, लेकिन हमारे लोगों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी एकदम फ्रैंकली है, फ्रीली है, तो डाउट जैसे कुछ मैटर ही नहीं है, इसलिए हम लोग बिना लॉक की मोबाइल रखते हैं। इवन मेरे बच्चे लोग भी देख सकते हैं, जहाँ पर लव होता है वहाँ पर ही शक होता है। तो वो फिर से लाइन बोलेगा आप कैमरे में? नहीं, मतलब शक कहाँ पर होता है, जहाँ पर लव होता है वहाँ पर शक, डाउट करना नेसेसरी है, क्योंकि डाउट वो एक वन द मोस्ट पार्ट ऑफ द लव। वो अपनी लाइफ में घूम रही है, वो अपने लाइफ में घूम रहे हैं, तो वो कभी एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करेंगे नहीं, वो क्या कर रहा है क्या, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में मस्त है। तो शक तो एक मेन हिस्सा है लाइफ का, शक मेन हिस्सा है। आपका क्या कहना है सर? सही बोल रही है, शक करना जरूरी है। वाइफ बोल रही तो सही बोल रही है, वाइफ बोल रही है, वाइफ इज ऑलवेज राइट। आप चेक करते हैं उनका फोन? मैं कभी चेक नहीं करता, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है। और आप लेकिन चेक? यस, आई ऑलवेज चेक। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि अब पत्नियों को छूट ज्यादा मिल जाती है? नहीं, एक्चुअली हम लोग घर पे रहते हैं, हम लोग हाउस, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, सो आई नेवर वंडर एनीवेयर, बस माय हस्बैंड इज ऑलवेज वर्किंग, मतलब टू ही इज वर्किंग, ही इज वंडरिंग इन, बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर जाते रहते हैं, सो आई बाहर जाते हैं तो इधर से चेक होता रहेगा। आप घर पे रहते तो आपको नहीं लगता घर पे कोई आ सकता? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करते नहीं है, पासवर्ड भी दिया हुआ है, मोबाइल का बच्चे को भी मालूम है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम भी देखती है, फेसबुक भी देखती है, सब कुछ चेक करती है। चेक नहीं करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, बता देना चाहिए कि मैं चेक कर रही हूं। चेक करना है? आप क्या करती है बताइए? हम ऐसे ऐसे चेक करते नहीं है, चेक करते नहीं है। नहीं, मैं भी चेक नहीं करता, पर्सनल स्पेस। यार बहुत अच्छे-अच्छे बन रहे हो आप, नहीं ऐसा नहीं जी, लिटरली आप अगर विदाउट कैमरा पूछते तो मैं यही बोलता, हम नहीं चेक करते एक दूसरे का फोन। हां, मतलब बिल्कुल चेक नहीं करते। हम एक दूसरे को 4-5 साल से जानते हैं। आपको क्या पता सोने के बाद क्या होता है? नहीं 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 नहीं, 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 हम 4-5 साल से जानते हैं। एक्चुअली बीच में 1.5 साल तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस भी किया है, तो उसके बाद तो मतलब एकदम घना विश्वास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विश्वास, और स्पेस देना चाहिए, देखो स्पेस देना चाहिए थोड़ा, कि भाई क्या बॉयज ग्रुप्स होते हैं और भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो नहीं खोलने होते, गलती से खोल दिए तो वाला इशू हो जाता है। तो वो लोग जो चेक करते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैं बता दूं, चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही इतना ना कियोस और इतना वैसे भी लोग होता है ना कि जगह दो जने पहले थोड़े अट्रैक्टेड हैं तो बहुत जने वैसे भी आ जाते हैं कि ना तोड़ने के लिए या फिर नज़र लग जाती हो, तो मत ही करो ना चेक। नहीं चेक नहीं कर रहे अच्छा है तो मत चेक करो। वैसे तो चेक करने की अगर कोई वजह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रही है, गो फॉर इट, तो फिर वो गलत ही, अगर इंट्यूशन है तो वो गलत, तो गलत ही हो गया, इंट्यूशन भी हो रही है तो गलत ही है, मतलब वो पता ही चल जाएगा, चेक करने सोच रहे हो तो मत ही चेक करो। इट नीड्स टू बी ओपन व्हेन यू हैव रिलेशनशिप, यू शुड शेयर वन अनदर सीक्रेट, बट when you do things on secret I don't think it's gonna work, so be honest, honesty is the best policy, so I would say share the things, you don't need to hide the things what behind,
So you're saying you never check your partner's phone? I trust in him completely. Are you sure? I am sure, definitely, 100% sure. Okay. All right. And those who check, what do you have to say to them? Oh, just relax. The time will show the things. You just don't be panicked, I would say. Husband, wife, ko bina permission, ek dusre ka phone check karna chahiye. वैसे तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उसमें एक फ़ोन एक मामूली सी बात है, उसको छुपा के क्या रखना, पूरी ज़िंदगी तो ओपन ही होती है वाइफ की हस्बैंड के आगे, तो फ़ोन क्यों छुपाना। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। ओके, तो आप करती हैं ऐसा? हाँ जी, क्योंकि एक्चुअली मेरे फ़ोन में पासवर्ड है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे हस्बैंड के फ़ोन में पासवर्ड है, वो मुझे पता है, तो कोई इशू नहीं है, मैं सब सॉर्टेड है फिर और कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जब आपके अंदर डर होगा आप कुछ गलत हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप गलत नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चेक करते रहना चाहिए, इससे कंट्रोल में रहते हैं लोग। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कभी आप पार्टनर होंगी किसी की, तो आप चाहेंगी कि आपका फ़ोन बिना आपके परमिशन के चेक कर ले आपके? बिल्कुल, बिकॉज हम जब शादी करके आए हैं तो हम एक दूसरे को ऑब्वियसली जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग ये है कि हमने जब शादी कर ही ली है तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए छुपाने के लिए कि हम कुछ छुपाएं, क्योंकि हम ना हम चोर हैं ना वो चोर होगा, तो बस वही वाली बात होती है ना कि हम बिना परमिशन के इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि वो उनके कुछ फ़ोन में होगा, उल्टा सीधा हम तो सीधा साथ बोलते ना हमारे फ़ोन में नहीं है तो आप भी दिखाओ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, परमिशन लेनी पड़े बिकॉज क्योंकि हम एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं, सब बातचीत हमारी सेम हो रही हैं, तो इसमें क्या है कि फ़ोन का चेक करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, ऐसा आप कभी करेंगे कि वो जब सो गए हो तो चुपचाप उठाया फ़ोन और देख लिया कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रात में सोने में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई उठने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, रात में मैं उठूँ और किसी को फ़ोन चेक करूँ, मैं अपना ही फ़ोन नहीं देखती ढंग से कि किसी के मैसेज आए तो मैं दूसरों का तो तभी देखूँगी। शक के उससे चेक करते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? आपको लगता है कि ठीक करते हैं या फिर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कपल्स नहीं होते हैं, वो होते निब्बा निब्बी, ठीक है, उन्हें निब्बा निब्बी बोलूँगी मैं अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज वो कपल बस सिर्फ दिखावटी होते हैं, क्योंकि वो एक साथ मैंने खुद देखा है, पर्सनली देखा है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं जो, क्योंकि मैं फ्रेंड्स नहीं बोलना चाहूँगी, बट कि वो एक साथ होकर चार्जर चला रहे, तो भाई वो कोई ना कपल है ना कोई है, वो बस मनोरंजन का एक वो ढूंढ रखा है, स्थल ढूंढ रखा है कि हाँ भाई है जो है सो है। तो ऐसे लोगों के तो चेक होने चाहिए। ऑफ कोर्स फोन चेक नहीं, उनको प्रॉपर चेक, उनका स्कैन कहते हैं ना, स्कैनर में डाल दीजिए उनको, तो हाँ उनका एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानती कि ना वो कपल है, क्योंकि वो चीट करते हैं, वो कपल नहीं होते, तो मैं उनको कपल के उसमें से निकालती हूँ कि वो कपल नहीं है, चेक नहीं कर रहा है इंसान। हाँ, और पीठ पीछे आप तो विश्वास कर रहे हैं लेकिन आपके साथ धोखा हो रहा है, तब तो वो धोखा हमारे लिए नहीं कर रहे ना, हम ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो बंदा खुद की नज़रों में गिर रहा है, क्योंकि मेन बात ये होती है ना कि आप हमको चीट कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को चीट कर दोगे, दोस्तों को चीट कर दोगे, नहीं बताओ किसी को, पर एक होता है ना, कहते हैं ना कि ऊपर देख रहा होता है, तो खुद की नज़र भी होती है एक, तो खुद की नज़र में, तो वो अपनी नज़र में ना कभी अच्छा नहीं बन सकते, चाहे वो मन में सामने सबको कह रहे हैं हम बहुत अच्छे, हम ये नहीं करते, हम अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे हैं, जो भी है एनीथिंग है, पर जहाँ तक मुझे पता है अपनी नज़र भी बहुत बड़ी होती है, वो सबकी नज़र से बेटर होती है अपनी नज़र, तो हम उसमें गिर जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते।